हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये केला की पेड़। केला में केला की फूल आने लगी है, जिसको हम बोलते हैं मिखन। और अभी मैं इसको डाल लेके आई थी इसको काटने के लिए पेड़ को। ये जो केला है ये जंगल का पहाड़ी केला होते हैं, इसको हमने घर पे लगा के रखा है। इसका केला की पेड़ और फूल इसको हम लोग सब्जियां बना के खाती है। तो देखो, अभी मैं इसको काट रही हूँ इस तरीके से, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का जो फूल। देखो, केला की फूल। सुबह सुबह मैंने एक सुबह का सब्ज़ी बनाने के लिए इसको काट रही हूँ इस तरीके से। देखो, ये जंगल का केला होते हैं, ये जो घर का जो खाने वाला केला वो नहीं होता है। तो अभी इसका मैं अवांद्रो बनाने वाली हूँ, सुबह का सब्ज़ी। सुबह सुबह का मौसम है, देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सूरज की रोशनी किस तरीके से आ चुकी है। तो केले की पेड़ को दोबारा मैं काट रही हूँ। ये नीचे का जो है, इसका अंदर में कुछ होता है खाने के, जिसको हम बोलते हैं बुबली। और इसका अंदर में कुछ नरम होते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे इसको काट के। अभी देखो, इस तरीके से हमने अंदर का जो नरम है उसको निकालते हैं इस तरीके से। तो देखो, ये हो गया है निकालना। अभी इसी को हम काट के सब्जी बना के खाते हैं, इसको हम बोलते हैं बुगली। देखो, केले की पेड़ को तो मैंने काट लिया है, तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है घर का जो लोकल चावल, ये अवांद्रों के लिए होते हैं। तो चावल को पहले से इस तरीके से पीस के रखना पड़ता है। तो देखो, अभी मैं इसको कैसे निकालती हूँ अंदर का। ये सबसे ऊपर का होता है, इसका केला बनता है। अभी नरम के टाइम में हम इसको खाते हैं। इसका अवांद्रो हस हम बनाएंगे। वैसे तो हम इसको आलू के साथ गुदोग भी खाते हैं। केले के फूल खाने में हमारे शरीर के लिए खून काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन मिलते हैं हमें। जो जिसको आयरन कम है वो ये केले के फूल इस तरीके से खा सकते हैं। इसको पकौड़ा भी बना के खा सकते हैं, और तेल के साथ भी हम इसको बना के खाते हैं। और आज मैं तो बनाने वाली हूँ बिना तेल और मसाला के साथ। इसको हम बोलते हैं अवांद्रो। ये केले के ऊपर का मैंने इसको खोल के अभी इसको मैं सुअर को खिलाऊंगी, नहीं तो गाय को भी खिलाऊंगी। तो ये देखिए, अंदर का जो मैंने निकाला है वो है ये। अभी हम इसको काट के दिखाते हैं आप लोगों को ये कैसे होते हैं। इसको दाल के साथ भी बना के खा सकते हैं आप लोग, जो केले के अंदर का जो ऐसे मिलते हैं। तो देखो, ये काटने के टाइम इस तरह से मकोड़े के जाल की तरह निकालते हैं, इसको साफ करके फेंकते हैं, ताकि खाने के टाइम में ये अच्छा लगे। नहीं तो ये खाने के टाइम में थोड़ा खाने के टाइम में ये आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसको जाल की तरह वो निकालते हैं। ये खाने में बेम्बू जैसे लगते हैं, जैसे बेम्बू सूट हम लोग खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगते हैं इसको। तो अभी मेरा सब्ज़ी काटने का ख़त्म हो गया है। अब इसको पानी से अच्छे से धुलेंगी, और कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बिठाने के लिए पानी दे चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को यूज़ किया है। जब भी हम लोग बिना तेल की सब्ज़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग हरी मिर्च डालते हैं। जो हरी मिर्च डालने से सब्ज़ी का स्मेल अच्छी आती है, खाने में भी अच्छा लगता है।
और ये सफ़ेद सफ़ेद जो इसको हम लोग बोलते हैं खाकलू, इसका बॉल बनाएंगे। यहाँ पे बॉल जगह में मैंने सिर्फ प्याज काट के दे दिया है और देना है नमक और कुछ भी नहीं। और ये देखिए मेरा मिखन अवंद्रू अभी हो चुकी है। और ये चावल का पेच मैंने बना लिया है जो मैंने पहले से बीस के रखा था। अभी सब्जियाँ पूरी तरह से पकने के बाद अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये चावल का पेच। अभी इसको और थोड़ा उबल के हम निकाल देना है सब्जियाँ। तो सब्जी लास्ट में सब्ज़ी निकालने के टाइम में दे देंगे यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन को इस तरीके से कूट के। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को दे दिया है। और ये है दालों, इसका भी एक सब्ज़ी बनाना है जिसको पत्ते का सब्ज़ी होते हैं। और ये मेरा खाकलो बॉल भी पूरी तरह से बन के तैयार है। और ये देखो मेरे अवंद्रू अभी पूरी तरह से बन गया है, अभी मैं सब्ज़ी निकाल चुकी हूँ। तो ये है मेरा आज सुबह का सब्ज़ियाँ, मैंने बना के बिल्कुल रेडी है अभी खाने के लिए। तो प्लेट में मैंने चावल ले लिया है और ये है मिखन अवंद्रू और दालों का सब्ज़ी भी मैंने ले लिया है। और ये है छोटे छोटे मछली, हमारे गांव से ये पकड़ लिया था, इसका भी एक रेसिपी बना लिया था कल रात को। और ये है मसूर दाल का पकौड़ा जो मैंने पहले से बना के रखा है। और ये है खाकलो बॉल, एक और बाकी है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो है फ्राई मछली। तो ये रहा फ्राई मछली, छोटे छोटे मछली को हमने फ्राई करके रखा है पहले से, कुछ इस तरीके से फ्राई करके हमने रख दिया है बाद में खाने के लिए, और कुछ सब्जियां भी बना लिया है। तो आज सुबह का मेरा खाने में बहुत सारा सब्ज़ी का आइटम बना लिया है। ये है मिखन अवंद्रू और ये है फ्राई मछली और ये खाकलो बॉल और ये छोटे छोटे मछली और ये है मसूर दाल का पकौड़ा। तो चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं। आज मेरा का जो भी सब्जियां है वो है हेल्दी खाना होते हैं सुबह सुबह का। तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगे है कमेंट करके बताना, और वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। और आज का मेरा वीडियो इतना ही है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।